ओके आसिकर सब तो गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। तो समस्ते प्रीवियस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 5 जो माने देखिन, लेक्चर नंबर 6 आज डिस्कस हो, तो लेक्चर नंबर 5 जो माने देखिन देखिन हमर लाइव सेशन सरला पर। सो लेक्चर नंबर 5 रा कांसेप्ट को नहीं कि हमें लेक्चर 6 जहाँ जीर पाठ अच्छे स्टडी करवा। सो फास्ट आपको कवर अप करपर नेक्स्ट लेक्चर को जीव। तो आज जो मैंने आज लेक्चर देखुच प्रीवियस लेक्चर मिस भी कर देच, तो से जाओ गो थ्रू माइ चैनल चेतक फिजिक्स, ये तुम प्लेलीस्ट को जीव, प्लेलीस्ट का आराम भेटर चैप्टर भितर तुमको पाई मिल जाव कौटा लेक्चर नंबर 5 अफ स्काल आराम भेटर। तो से थर देख लेक्चरटा जहाँ पढ़ी पढ़ आज से इजिली बुझीपर। सो जी पाठ को लेट करवानी। सो आम प्रिवियली कौन कौन डिस्कस होता जस्ट से जिन गुड़ा फोकस कर प्रीवियस क्लास में डिस्कशन होता पैरेललोग्राम लॉ रिजल्टेंट मन पक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ी Whose analysis is also similar to triangle law. दूसरे जगह केस रे resultant R is equals to A vector plus B vector. R रो magnitude हमें पाउथिले A square plus B square plus 2AB cos theta. बेटा थिला. Root over मैग्नीट्यूड पाइला परे रिजल्टेंट डायरेक्शन पाउथले टैन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा व्हेयर थीटा इज नथिंग बट थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर भीतर एंगल होची थीटा। एटा ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे हमें स्टडी करथिले हना नै, एटा ऑलरेडी प्रीवियसली हमें स्टडी करथिले, तुम माने जानि छ पैरेललोग्राम लॉ रो ई सब आंसर। मैक्सिमम रिजल्टेंट गोटे हमें देखथिले मन पके दोची पिला माने माइक खुलि छ, मैक्सिमम रिजल्टेंट गोटे हमें स्टडी करथिले होची आर मैक्स, दुटा वेक्टर भीतर रिजल्टेंट मैक्सिमम होबो जत बेले से वेक्टर दुटा भीतर एंगल 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री होय, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कोन हो दुटा मैग्नीट्यूड को मिसे दवा ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड, एटा खाली मैग्नीट्यूड एटा डायरेक्शन आसीबो। मिनिमम मैग्नीट्यूड मिनिमम रिजल्टेंट केत बेले आसीबा जत बेले तांको भीतर एंगल हेतो 180 डिग्री, ताल ए माइनस बी हे जाउ थोड़ा पढ़ीतिले मन पडुची होना नै। हाँ आ गोटे पढ़ी दुईटा वेक्टर वेक्टर सम इज इक्वल्स टू वेक्टर डिफरेंस ए आउ बी दुईटा वेक्टर ताले तार वेक्टर सम को मु लिखुथिलि ए प्लस बी एटा सम बोली कहिबा, वेक्टर डिफरेंस को लिखुथिलि ए माइनस बी difference a plus b equal to a minus b केतो रहुतला a plus b is equals to a minus b केतो बले when theta equal to 90 degree मन पड़ुची ना मन पड़ुची theta equal to 90 degree बले थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बेले ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए कनसेप्टा भी आम स्टडी करें बुझिपार तार कनसेप्ट कौन। सो वर्तमान आम गोटे हाँ तो वर्तमान आम क्वेश्चंस किसी करवा ऑलरेडी दुई तीन टा क्वेश्चन करते बट एवं बहुत गुड़ाए क्वेश्चन करवा। अच्छा रिजल्यूशन पढ़ी मुझरलो करदे रिजल्यूशन मन पड़ी रिजल्यूशन वेक्टर्स वेक्टर रिजोल्यूशन वेक्टर रिजोल्यूशन
ए जदि गोटे वेक्टर हुए दैट वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस विथ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन देन दिस लाइन विल बी ए कॉस थीटा एंड ऑब्वियसली दिस लाइन will be a sin theta. Okay, mana poduchi. Okay, dekha concept kuda ami already kichi kichi likhi deiche just discuss kale ta sei concept ku nai ki ame bartaman प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन जो लिखिले से क्वेश्चन को सॉल्व करिवा तो से क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन अच्छे हमें देखिवा गोटे गोटे क्वेश्चन नंबर वन रही थी टू फोर्सेस इच ऑफ 16 न्यूटन एक्ट इन सच ए वे दैट द रिजल्टेंट इज थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम दीटा फोर्स दुई जनकर मैग्नीट्यूड समान ता माने ए इक्वल टू बी जोटा जक 16 न्यूटन ताको भीतर एंगल केते जणा नाही पचारिची रिजल्टेंट ता केते 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 ता माने 3 बाय 2 इनटू 16 ताने केते 24 न्यूटन बुझी परछ हां ना नाही केता सिंपल कांसेप्ट तारे पचारिला थीटा केते फार्मूला पकेला को फार्मूला ए फार्मूला ए फार्मूला मय काथरे पके लिखि परिबे r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हां ना नहीं तारे r स्क्वायर रहिला केते 24 रो स्क्वायर इक्वल टू a आउ b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a और b दुटा का समान 2a स्क्वायर ता माने मु लिखि परि कि 2 इनटू 16 रो स्क्वायर 2 इनटू 16 रो स्क्वायर प्लस एटा भी 2 इनटू 16 रो स्क्वायर a और b 16 इनटू 16 cos थीटा जानि परछ एति कि कांसेप्ट एति कि जानि परछ हां ना नहीं हेलो एति जानी होची हां देन कैलकुलेट करिबा 24 रो स्क्वायर केते 576 576 पुट करो 24 रो स्क्वायर रो वैल्यू टा पुट करो सेते आसीबो 576 इज इक्वल टू एटा केते 2 16 रो स्क्वायर केते 216 हां ना नहीं 16 स्क्वायर फुट कर कैलकुलेशन कर आसीबो देखि परछ सॉल्व करिके हमें ताको लिखिले जो cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 576 बाय 5 12 एटा को डिवाइड कर केते होछ cos थीटा इज इक्वल टू केते होबो 576 बाय 512 माइनस 1 तले थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस मच ए वैल्यू टा जति के आसीबो थीटा रो वैल्यू सेटा को पुट करिवो बुझ हां तो एटा आसी गला त फाइनली हमें थीटा पाइले cos इनवर्स 0.125 जति के लिखले तो हमको मार्क मिलबो किछ असुविधा बुझि परला क्वेश्चन इमीडिएट आंसर लिखो जति लिखिस न लिख सच ले ताले ए साइड टा ए राइट साइड टा लेक्चर चोइटा तैटा को ले भेबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखो टिके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एटा ए गार्डन रोलर ऑफ 100 केजी कोन कोची ए गार्डन रोलर ऑफ 100 केजी क्वेश्चन नंबर 2 दिसन ए गार्डन रोलर ऑफ 100 केजी
weight is pulled with a force of 200 newton acting angle 45 degree with ground hala ki tale effective pulling weight pull karba mane kon pull karauchi mane kon karauchi this is square notation kara disibo pulling mane kon पुल पुल कोई पुश कोई ना पुल कोई हो जे 100 केजी तार ऑब्वियसली तमार मास ताला 100 केजी ताने तार वेट हो जे 100 केजी वेट जमे ते मास आ वेट भीतर डिफरेंस तुमको आगु कहिले तुम्हारा मास सपोज करिया 30 केजी बट वेट हो 30 केजी वेट बोली लिखिबा तो एथि समते आ वेट हो जे 100 केजी वेट राइट आउट ग्राउंड रे गार्डन रे एटा को पुल करा गला टणा गला सपोज दिस इज ए गार्डन रोलर एंड तार चक्का लागी छी बा कोन कोन सब अछि ता केमते टणा गला हला कि अच्छा आर वेट ता क्वाड करबो वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड 100 केजी वेट हां ना नहीं बुझि परछ दिस इज द रोलर एक्टिव अच्छा इज पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन 200 न्यूटन फोर्स ता केमते टणा गला या कोमते गोटे लोक टाणुची ए गोटे लोक अछि से टाणुची ताले एटा ए सहित केते एंगल करि टाणिला ए एंगल ता 45 डिग्री हो नाय बुझि परछ तो जो फोर्स रे से टाणिला दैट अप्लाइड फोर्स इज 200 न्यूटन एतिक फोर्स से एंटी दउ ए फोर्स 200 न्यूटन ना ए दिगर पडछ पचार छ से व्हाट इज द इफेक्टिव पुलिंग वेट इफेक्टिव पुलिंग वेट ता के बुझि बात तो कोन पहिला क्वेश्चन पुल करबा को केते इफेक्टिव पुलिंग वेट ता तारा लागिवो वेट ता तारा एक्चुअली केते बोली फील हबो सेटा होची तारा इफेक्टिव पुलिंग वेट बुझि बात तो कोन कहि जदि आमे सीधा उठैबा कांसेप्ट बुझा जदि आमे सीधा उठैबा गार्डन रोलर बा गोटे ऑब्जेक्ट एंति रखा गई छि तले मु ताको एंति टेकिन सीधा तले तार वेट जति कि मते सेति कि फील हो हो ना मैं सपोज मु गोटे एग्जांपल दउ छि डस्टर पर अछि ए डस्टर रो वेट अछि किछि हो ना मैं डस्टर ता ए सरफेस ऊपर एंति अछि मु ताको एंति उठैबि त आर वेट ता वर्टिकली डाउनवर्ड जति कि पडतुबो सपोज 10 न्यूटन तो ऊपर को मु टेकिबि तो मते सेति कि लागिबो सेति के 10 न्यूटन फोर्स देले ही टेकि परिबि 10 न्यूटन को कम देले टेकि परिबि हबो नि पॉसिबल तो सिमिलरली एटा को एतर टाणु जे को मु टेकुनि ऊपर को एटा समति टा ए भले टाणु से माने घोसाल के ड्रैग करू छी पुल को छी घुसी घुसड़े आछो तले आ वेट ता केते फील हो इफेक्टिव पुलिंग वेट वेट ता को डायरेक्शन ने फील हुए वेट इज ऑलवेज ऑब्जर्व इन वर्टिकल डायरेक्शन वर्टिकल लाइन पर तो दिस इज वर्टिकल दिस इज हॉरिजॉन्टल ताले वर्टिकली हम वेट ता को फील करिवा हॉरिजॉन्टल नो ताले वर्तमान कांसेप्ट होची रिजोल्यूशन कांसेप्ट इट अप्लाई होबो काना हमें फोर्स ता दउचे केमिति कोणाई की दउचे इंक्लाइन हमें सीधा दउनी ताले ए जो फोर्स ता यदि एफ होए एफ रो दुटा कंपोनेंट आसीबो देखो गोटे ए दिगरे जोटा एफ कॉस थीटा आ गोटे ए दिगरे जोटा एफ साइन थीटा बुझि पारलो ताले एफ कॉस थीटा केते जे एफ कॉस 45 डिग्री माने नै एफ केते एफ रो मूल्य केते 200 तमरा 200 कॉस 45 डिग्री जानि परछ ना एफ कॉस थीटा इक्वल टू 200 cos 45 डिग्री एफ sin थीटा केत हबो 200 sin 45 डिग्री बुझि पारछ ना बुझि पार ना पिला माने बुझे होछ कांसेप्ट होना ने को क्वाड्रेंट रे अछि एटा ता ओरिजिन ता इ तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट तर दुटा जक तार कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट रो दुटा एक्सिस रे छला पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई ताले वेट ता एक्चुअली वेट ता एटा ता एक्चुअल वेट एटा हा ता एक्चुअल वेट एक्चुअल वेट ता वर्टिकली डाउनवर्ड किंतु ऊपर को भी गोटे फोर्स पडुची
जोटा जस्ट वेट रा ऑपोजिट अछि ता माने वेट कु से कैंसिल करबा के चेष्टा करथुओ ताले इफेक्टिव वेट ता केते वर्तमान एक ही कांसेप्ट पचार जी इफेक्टिव वेट बुझा बोल इफेक्टिव पुलिंग वेट इफेक्टिव पुलिंग वेट तो इफेक्टिव पुलिंग वेट ता कोन करबा इफेक्टिव पुलिंग वेट जदि हमें देखो छे देखो वेट ता तळु को छे एक्चुअल वेट एटा को एमजी बोली कहि पर छे मास इनटू एक्सेलरेशन जो को ग्रेविटी जान पर छ एटा हला एक्चुअल वेट ताले एमजी माइनस एफ साइन थीटा दिटा अपोजिट अछि पर एंटी पैरेलल वेक्टर दिटा वेक्टर भीतर एंगल केते कि कहला मते वेट एमजी आ एफ साइन थीटा भीतर एंगल केते 180 डिग्री ना तारे दीटा वेक्टर भीतर एंगल 180 डिग्री हेले रिजल्टेंट रो सूत्र कोन a माइनस b देखो एटी a माइनस b अछि ना नहीं बुझ पाछ ताले फेडी देले mg रो mg टा एक्चुअल वेट सेइ थ्रू फेडी हे गला x sin थीटा जति कि बळिबो सेति कि वेट टा तारे कि फील होबो इफेक्टिव वेट माने खाली एक्चुअल वेट रो ए f sin थीटा टा माइनस हे गला जति कि रहिला बळका सेटा होची इफेक्टिव वेट ताले mg टा हला 100 kg वेट ए 100 kg टा हला तार मास m g रो वैल्यू पके दियो सपोज 10 माइनस f 200 f sin थीटा ऑलरेडी लिखि जे 200 sin 45 sin 45 ताबे टा हला 1000 माइनस 200 बाय √2 जेटा 1000 माइनस अब कि ऊपर गोटे रूट टू तळे गोटे रूट टू जेटा 100 रूट टू हे जो ठीक है हिसाब कर पे मिसमच न्यूटन बुझेला ना जाने पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गोटे एटा के जाने पर न मत कोह फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर केते क्वेश्चन नंबर 3 रो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 A man of mass 70 kg standing with a full with foot two full bags. Question देखो कितने simple concept अच्छे. इटा उड़े लोग को ठिया है ची. उड़े man इटा तरह ही बोला. है ना नहीं? अरे bag दीटा क्या मैं दर क्या है जो? Bag दीटा कौन हम दर हम टेक्की दर क्या होगी? हाथों दीटा हम तोड़ को झुलाएगी ठिया है. है ना नहीं? ताले ठिक उड़े bag दर ची. एठ गोटे बैग धरिछ गोटे बैग अछि 2 केजी मास आ गोटे 3 केजी मास मैन रो मास अछि 70 केजी तले एको नै कि हम गोटे डायग्राम ड्रा करबा से डायग्राम को हम कहू छै फ्री बॉडी डायग्राम ये डायग्राम केला माने फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम करले प्रॉब्लम टा हमर अति सहज होय देखो फ्री बॉडी डायग्राम नामे देखिले एटी केतटा फोर्स पडुची केही जाउ नांती फोर्स कोन पाई पडिबो फोर्स एठी एठी फोर्स इज इक्वल टू वेट फोर्स टा वेट सहित समान वस्तुत्व गुणन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी सेटा हिजबो कोन ओजन जोटा ओजन सेटा वेट ताले मास इनटू ग्राविटी ताले जदि मु एटा को धरिबी गोटे एक्सिस गोटे लाइन हाउ हाउ करिबा ओके ओके परिवार कोन देखबा तले 3 केजी पई वेट आसीबो तळु को देखो एमति अछि ए भली मैन ता सपोज ए भली धरि छी याडू को आसीला 3 केजी 3 इनटू जी जी रो मूल्य 10 पकेबा 30 न्यूटन ता पडला 30 न्यूटन आ गोटे अछि 2 केजी 2g जोटा 20 न्यूटन 20 न्यूटन अच्छा तार वेट ता 70 केजी ताले 70 जी माने 700 न्यूटन 700 न्यूटन ताले टोटल केते हला नेट केते हला 700 देखो सबु गुडा समान दिगर अछि सबु गुडा समान दिगर अछि पैरेलल तमन समस्तक भीतर एंगल केते समस्तक भीतर एंगल 0 डिग्री ताले हमें रिजल्टेंट कोन करबा सबु को डायरेक्टली मिसै दबा एई सूत्र सबको डायरेक्टली मिसे दबा जे 20
प्लस 700 प्लस 30 जे 750 न्यूटन तले आंसर हला 750 750 है छी हाँ बुझे ला क्वेश्चन नंबर 3 समस्त बुझी पारलो सबुची भाइस ओके लिखी सार तो लिखे दबा क्वेश्चन नंबर 3 हां ना नहीं हां क्वेश्चन नंबर 4 करो क्वेश्चन नंबर 4 करो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन टाको पढ़ो भलो की 3 लिखी सार तो सब लिखे देली दिशुची क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्ली क्वेश्चन नंबर 4 लिखा बुझौची ऑन शूटिंग सेट ऑफ मूवी वार मूवी लिखि छ हेलो दिसला वर्तमान एबे दिसला हाँ अभी दिशा देखो दिशा ला स्क्रीन रोटेशन करो दिशा अच्छा वार मूवी देखी जो ना देखी ना हेलो अच्छा पिला मैंने वार मूवी देखी जो हाँ सब फिल्म देखो चाहेगा नहीं हाँ ऑन शूटिंग सेट ऑफ मूवी वार ऋतिक हिट्स टाइगर ऑन लेग बाय फोर्स ऑफ 60 न्यूटन ऋतिक कौन कला टाइगर को गोटे एमती 60 न्यूटन फोर्स से ता गोडर मारला गोटे किक मारला हिट होला साइमल्टेनियसली टाइगर हिट्स बैक एका समय से मारछि ए भी मारछि एट ए टाइम इवन इफ गोटे सेकंड भी गैप ना ए भी मारछि से भी मारछि गोडर फाइटिंग करछि सो हिट्स बैक विथ ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन होला कि legs of both are inclined at 45 degree and 30 degree with ground ta mane ritik ro 45 degree achi ground sahita tar kete achi 30 degree achi ground sahita pacharchi kon find net first horizontal direction net force kete asuchi au effective weight on both bracket re samastha kar mass diya jaichi ritik ro mass kete tiger ro mass question bujhi parcha हेलो अरे क्वेश्चन बुझ पाते ना नहीं हाँ तो देखो ये रहला ऋतिक हला कि ये ऋतिक ये रहला टाइगर एटा ग्राउंड ग्राउंड सहित अच्छा एखन जत फाइटिंग करू चंती सपोज हले आउडे पाखे हमरा या लेग टा ये सपोज एमती लेग टा को एमती रखला ये ता लेग टा को एमती रखी छी हां ना तले यार लेग टा ग्राउंड सहित एंगल कला 30 डिग्री कोछ 30 डिग्री यार लेग का एंगल कला 45 डिग्री जानि परछ यस फोर्स अप्लाई करू छी किए केते ऋतिक केते फोर्स रे किक कला ताको एटा तार लेग किक करू छी मिते केते न्यूटन 60 न्यूटन ये केते न्यूटन रे किक कला सेम टाइम रे देखो 80 न्यूटन जानि परछ कांसेप्ट पिला माने कांसेप्ट जानि परु छ दिसु छ ना वर्तमान ए पोर्शन हां बुझा बल ऋतिक रो मास अछि 80 केजी तले ऋतिक रो वेट ए तळ को आसीबो वेट ता हला m into g जानि छ तले 80 हला तार मास 80 into g लिखि देउ छ
हम टाइगर रो मास अछि केते सॉरी ऋतिक रो 90 दिया जाय छै क्वेश्चन हला कि 90 जी टाइगर रो 80 सो 80 जी बुझि पारु छ पचार जे होराइजेंटल फोर्स केते एठी सब एटा एटा वर्टिकल होराइजेंटल किछि दिसु नाही बुझ बोल कि एटा वर्टिकल फोर्स 90 जी 90 इनटू 0 वैल्यू 10 पकेले 900 न्यूटन एटा हो 900 न्यूटन एटा हो 800 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड किंतु होराइजेंटली ना होराइजेंटली ए दुटा फोर्स आसीबो ए दुटा फोर्स को मु दुटा कंपोनेंट बाहर करबी पिला माने कहिलो ए जो 60 न्यूटन टा को क्वाड्रेंट रे अछि ए 60 न्यूटन टा को क्वाड्रेंट रे अछि नाइ तीरोटा क्वाड्रेंट रहउची एई दिगरे को क्वाड्रेंट रे आसीबो भाबो भलो कि को क्वाड्रेंट रे आसीबो हां को क्वाड्रेंट फोर क्वाड्रेंट वेरी गुड फोर क्वाड्रेंट रे आसीबो तमन तार दुटा कंपोनेंट को एक्सिस रे आसीबो गोटे पॉजिटिव एक्स आ गोटे नेगेटिव वाई ताले ए 60 न्यूटन रो एंगल टा रहउची एटा 45 डिग्री ता माने ए एंगल टा हो 45 डिग्री ना ये 45 माने ये भी 45 एटा 90 डिग्री एटा बढे रहो ताले यार जो कंपोनेंट आसीबो ए दिगरे जो कंपोनेंट आसीबो देखो ए दिगरे जो कंपोनेंट मु ताको लेखि पारिबे 60 देखो भल कि 60 cos 45 ए दिगरे गोटे आसीबो सेटा हो 60 sin 45 जानि पाच एंगल सहित आर्डा सेम जोटा कॉस फॉलोइंगटा साइन बुझि पाच पिला माने 80 रो हां समिति ए जो 80 न्यूटन टा पडुची एटा को क्वाड्रेंट रे आसीबो 80 न्यूटन टा को क्वाड्रेंट रे आसीबो थर्ड क्वाड्रेंट वेरी गुड ता माने गोटे आसीबो नेगेटिव वाई आ गोटे नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई रे आसीबो गोटे एंटी आगो डे नेगेटिव एक्स रे आसीबो नेगेटिव एक्स रे जोटा आसीला नेगेटिव एक्स एटा एटा केता हो देखो एटा 30 माने ए एंगल टा केते एटा जदी 30 ए एंगल टा हो केते 60 डिग्री ताले एटा हो एटा को लिखि परिबे 80 एटा 30 डिग्री सॉरी एटा 60 डिग्री ताले एटा 60 माने एटा हो 80 cos 60 एटा हो 80 sin 60 जानि पाच 80 cos 60 80 sin 60 ठीक है कॉम्प्लिकेटेड हे गला मु ताको सजाड़ी के एथि लिखु छी देखाओ थारे फ्री बॉडी डायग्राम जोटा को छी फ्री बॉडी डायग्राम करिबा तो फ्री बॉडी डायग्राम कला हम इजीली जानि दबा तो फ्री बॉडी डायग्राम ने जणा पल्ला देखो गोटे ए दिगरे पडुथो होराइजेंटली एपोर्ट रे पडुची 60 बुझा बोल कि साइन 45 60 साइन 45 देखा रहउ छी ए दिगरे पडु छी 80 साइन 60 बुझौ छी अच्छा तळु को छी केते अच्छा ए एमि दे दुटा गला तळु को पडु छी ए दिगरे देखो ए दिगरे पडु छी 80 cos 60 एपोर्ट रे पडुची 60 cos 45 जानि पाउछ पिला माने जानि पाउछ टिक्के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एटा किंतु भलो कांसेप्ट अछि के जानि पारलो ने पिला माने कहो के जानि पारलो नाही हां अरे 45 45 मिसि के 90 जदी एटा 45 ऑब्वियसली 45 समिति एटा ग्राउंड सहित दे छै 30 ताले एटा ऑब्वियसली हो 60 60 प्लस 30 90 हला कि ताले एई डायरेक्शन रे जदी 80 न्यूटन अछि ताले एटा 60 डिग्री एंगल हले एटा एंगल सहित एडजेसेंट कोन हम कहि छी cos ताले 80 cos 60 समिति आसीला 80 sin 60 समिति रहलो हेइ छी समिति 60 न्यूटन अमित रहुतला 45 डिग्री 60 sin 45 60 cos 45 जानि पाउछ क्लियर फिगर देखि जानि पाउछ पिला माने इजीली ओके क्लियर ना ना किछ डाउट रहउ छी
तो देख तले इटा को क्वेश्चन टा बर्तमान टिके तू रेज कर छु क्वेश्चन लिख सच तो क्वेश्चन पिला लिख सच हां क्वेश्चन नो अपर पार्ट टा खाली रहउ छे फाइंड रूट आछी सेटा थाउ रिमेनिंग आउ किछि रहउ छी हला कि तो अच्छा उभयकर वेट ऋतिक एटा ऋतिक कहैतला एटा टाइगर कहैतला तो ऋतिक रो मास हमें नहीं चले 90 तो ये 900 न्यूटन तारा वेट ऐसे हो तोड़ो को अलग ही टाइगर का मास हमें नहीं चले 80 तो तारा 80 नहीं था ना टाइगर का हाँ 80 सो 800 न्यूटन बहुत ही गाली ऐसे तले फास्ट मीटर पचार खिला फाइन हॉराइजेंटल फोर्स नेट हॉराइजेंटल फोर्स तले फास्ट मीटर है नेट हॉराइजेंटल फोर्स देखो छ देखो केते सिंपल कांसेप्ट जानि परबो हॉराइजेंटल रो मीनिंग जो माने एक्स एक्सिस एही प्लेन रे एक्ट करथवे एही प्लेन में केतना फोर्स दिसु छी मात्र एही दुईटा फोर्स देखो एही एईटा आ एईटा आ सब तो वर्टिकल ताले हॉराइजेंटल फोर्स नेट केते हला 60 sin 45 माइनस 80 डिफरेंस हला माइनस कोटा पोर्शन आना दे माइनस 80 साइन 60 है ना नहीं 60 साइन 45 सी एमित रहो ची 80 साइन 60 एमित हो ची दुई जनों का भीतर एंगल हो ची कहते दुई जनों का भीतर एंगल कहते दुई जनों का भीतर एंगल रहो ची 180 डिग्री परस्पर ऑपोजिट ताले कौन है गला 60 बाय रूट 2 साइन 45 60 बाय रूट 2 माइनस 80 साइन 60 हो ची रूट 3 बाय 2 ताल एटा को मु लिख दे पारि सिंपलीफाई कर ल 30 रूट 2 माइनस 40 रूट 3 हना ने ताले 30 इनटू डिफरेंस नियो राजा ता लिखबो 1.41 डिफरेंस 40 इनटू 1.73 एटा को कैलकुलेट करबो जति आंसर हो लिखो बुझ पाछो कांसेप्ट पहिला माने बुझ पाछो एते की हेलो पहला मैंने तुम बुझ पर ला हाँ सेकंड बीट कौन पता अच्छी इफेक्टिव वेट ऑन बोथ जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन टेस्ट ऐसे कर चले इफेक्टिव वेट इतने भी इफेक्टिव वेट ऐसे बो देखो इफेक्टिव वेट टा कितने इफेक्टिव वेट टा बॉडी गला देखो रितिक पाई कितना होगा रितिक पाई इफेक्टिव वेट टा अब मिसी जो देखो 60 cos 45 60 cos 45 प्लस 900 जानि परछ प्लस काई गेला अरे दुटा को समान डायरेक्शन न छथि दुजन को भीतर एंगल 0 डिग्री तनो दुटा को मिसि गला दुटा वेक्टर भीतर जदी एंगल 0 डिग्री होय रिजल्ट आंड कोन हबो a प्लस b होना नै तेनो हमें ताको ऐड कर देले बुझि परछ टाइगर पै के त हबो इफेक्टिव वेट के कता वाक्य कहबो 80 cos 60 डिग्री वेरी गुड प्लस 800 न्यूटन बस एक्चुअली सॉल्व cos 45 वाली को कहि दी एटी cos 60 वाली को कहि तू कैलकुलेट कर परबो फाइनल आंसर आ जइबो क्लियर नाडी पर ल क्वेश्चन ओके तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एटा धरबो ए टाइप रो क्वेश्चन सब अछि हाँ से बड़ को हमें कहबा टेंशन पचार छी फाइंड द टेंशन ऑन द स्प्रिंग स्प्रिंग रे टेंशन केते बा बुझी पारला क्वेश्चन का कांसेप्ट कोन कहि छी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेटालिक बॉल ऑफ मास ए मिति रहि छि से त को बाटे हो जे तो रिटर्न करू छि एमति जाउ छि सत बेले एक तार थीटा दिस एंगल एटी क्रिएट हो छि ताले ऑबवियसली से एमति जाउ छि एमति गला बट तार वेट ता तळु को पडिबो ना वेट एम इनटू जी जानि परला से जोंठी भी था तार वेट सब बेले वर्टिकली डाउनवर्ड होना नै वेट ऑफ द बॉडी
इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन टा ई सूता रे कोर कसबो, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड, एटा न्यूटन्स लॉ रे पढिबा डिटेल, एठी खाली मन रख था, टेंशन टा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट। तार फिक्स्ड पॉइंट कोटा जोटु सूता बाहर थिबो, बड़ जुआड़े पकेबा बड़ विपरीत दिगरे टेंशन टा क्रिएट हो, यानी कारण से टेंशन टा इतिग आसला, टी टी हला टेंशन। बुझी पाउच पिला माने जानि पाउच? हां तारे जदे टी आमे देखिले टी सेटा टेंशन। देखो वेट रो जस्ट अपोजिट रे मु गोटा हॉरिजॉन्टल लाइन टाणुच, जस्ट अपोजिट रे गोटा हॉरिजॉन्टल लाइन छाणी, तले ए एंगल टा भी थीटा हो ना? यस और नो? ए हां तले जदे ए एंगल टा थीटा तले एटा को मु लिख परबे टी कॉस थीटा, ए डिगरे आसीबो टी साइन थीटा। जानि पाउच रिजोल्यूशन टी अछि अबिति, टी अछि अबिति ए लाइन सहित टी एंगल करछि थीटा, ताले याड हो टी कॉस रे याड टी साइन थीटा, हो ना नाही? बुझौ छी? जानि पाउच? हां ताले टेंशन केते टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा हला देखो टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी हबो ना नै? टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी यारे ऊपर को जाउ छी से पर जत एमजी जाई छी, टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी। अच्छा टी साइन थीटा कहाँ सहित समान? जो फोर्स से आसी थिला से फोर्स का सपोज एम इनटू ए, व्हेयर ए इज द एक्सीलरेशन अपॉन मास ऑन द मास, मास ऊपर जति एक्सीलरेशन दिया ला जो दिपई से डिस्प्लेस हला से ताना तार एक्सीलरेशन। बुझी पाउच? बुझी होची? हां पचारि छी टेंशन केते टी हमको दरकार, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड करो, टी कॉस थीटा रो होल स्क्वायर प्लस टी साइन थीटा रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, हो ना? हो अरे आपको स्क्वायर कर ले, आपको स्क्वायर कर ले एलएचएस आर कर दो, आरएचएस आर कर दो, तब एलएचएस टा ही जो ना टी स्क्वायर था, एलएचएस टा खाली ही जो ना टी स्क्वायर, आरएचएस टा क्या कहीं जो एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर कॉमन नहीं गले जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ताले टेंशन केते हला रूट ओवर नै जीवा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रा रूट ओवर, ताले टी आसी गला एम जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर। बुझी पारला? बुझी होची? जानि पाउछ कांसेप्ट? बुझी होची? जत्ते की फोर्स रे से जाई थिबो सेई फोर्स रे, सेई फोर्स रे की माने जत्ते ला हमका को टाणी ले हला की एको टाणी ले से बाडे ही पुने रिटर्न करछि हला की सेई फोर्स का पाई सेई फोर्स टा पुने रिटर्न करे को ट्राई करबो, काहे ना एटा वाल टा हो छि पूरा रिजिड हला की ए वाल वाल किछ भांगी जीवो नि किछ होबो हला, तानी पाछो कांसेप्ट टा कोन तले जत्ते की फोर्स रे से आसुथिबो सेई फोर्स टा हला एम ए ए हला एक्सीलरेशन हला कि एक्सीलरेशन ऑन द मास, तले फोर्स टा हला एम ए बड़ समान वस्तुत्व गुणन त्वरण एम ए हला कि इन जिनसा खाली आपला त टी साइन थीटा इक्वल टू सेटा को जो छी
तापर टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी जानि पाला कांसेप्ट हां तो बुझियाला कांसेप्ट एमती आ कुछ क्वेश्चंस तंगु प्रोवाइड करबी करबो सॉल्व करबो आ तुम पखे जा भी क्वेश्चंस अछि करो डाउट लागिले पचार ओके तो नेक्स्ट हमें पॉलीगोन रो स्टार्ट करबा आउ ताको निका और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गुडा भी आसीबो जत बळे आगु बाबू चैप्टर पढ़ी पढ़ी जीवा और भला भला क्वेश्चन भी अच्छे हमें सॉल्व करबा ओके ओके नेक्स्ट पॉलीगॉन रो स्टार्ट करबा तार एप्लीकेशंस जहां भी अच्छी देखिबा तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 7 थैंक यू।